ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदी. थैंक यू सो मच शेफ फरहान साहब जी. और यहाँ पर हमारे साथ हमारी शेफ सुमेरा है. और शेफ फरहान कब से तरबूज के इतनी ज़बरदस्त एक बास्केट बना रहे हैं, ये मैं वैसे उठा के ले जाऊंगी. ठीक है, इजाज़त होगी ना मुझे? जी जी बिल्कुल इजाज़त. जबरदस्त. अच्छा, कैसी आप सुमेरा? ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सुमेरा. ये जितनी जबरदस्त आज एक लग रहा है, जबरदस्त चाट का ठेला लगा हुआ है. क्या बन क्या रहा है आज? आज बन रही है चना बूंदी चाट. चना बूंदी चाट, ओहो जबरदस्त. और इसमें क्या क्या डलेगा? इसमें चीजें थोड़ी सी ज्यादा डलेंगी, बट जब ये डल बन के बनेगा तो बहुत मजे का बनेगा. ये बूंदी, छोटी बूंदियाँ, घर में अगर आप बनाते हैं तो आप घर वाली ले लें, अदरवाइज बाहर वाली ले लें. छोटे वाले सफ़ेद चने, सफ़ेद वाले, वो बॉईल करके लेने हैं. दही लेनी है, आलू बॉईल करके क्यूब्स में लेने हैं. फाइनली चॉप टोमेटो, टमाटर लेना है. हरा धनिया है, हरी चटनी, प्याज चॉप की हुई, इमली की चटनी, और सियो, और जो यहाँ पापड़ी रखी हुई है ये लास्ट में गार्निश के लिए है. ठीक है. इसके दो तरीके हैं. आजकल आपने देखा होगा जिस तरह ट्रेंड है सिंगल सर्विंग का, तो हम आज इसको सिंगल सर्विंग में सर्व. और ये अल्लाह करे आज जब सारी टाइम हम तक पहुंच जाए. बिलाल भी तो जज्बात में इधर आ ही गए. चले जब इसको हम सिंगल सर्विंग में, ये प्लीज देख लें ये मुझ तक पहुंच जाए. बिल्कुल बूंदी चाट जो बन रही है. चले जी, और मैं चाहूंगी जवेरिया, मैं चाहूंगी आप भी मेरे पास आ जाएं, और सऊद आप भी हमारे पास आ जाएं. अच्छा शेफ फरहान, ये जो इतनी मेहनत लगी हुई है, जी जी, ये क्या बन रहा है आज? अच्छा आज जो है वो कोई ऐसी कोई खास डिश नहीं बना रहा मैं. एक सिंपल जो है वो फ्रूट कॉकटेल बना के और एक बास्केट में डाला जाएगा. दस्तरखान में खूबसूरती होती है, तो अगर हल्का टेस्ट भी होगा ना चीज़ का तो वो खाने में मज़ेदार लगेगा. आप जितने ही मज़ेदार चीज़ बना लें, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो वो बिल्कुल देखने में मज़ेदार नहीं होगा, बिल्कुल खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा. अगर टेस्ट हल्का भी है और देखने में खूबसूरत है तो वो खाने में भी मजेदार लगेगा. हमने तो जब भी खूबसूरत बनाने की कोशिश की, अम्मी कहती है जाया कर दिया टमाटर. नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. जाया करना ये है कि सपोज मैंने अभी इसका छिलका फेंक दिया, ठीक है, ये आपके जाया कर दिया. अगर मैं इसी के छिलके का फ्लावर बना लेता हूँ तो वो जाया करना नहीं होगा. टमाटर का हमने बहुत दफा फ्लावर बनाने की कोशिश की, अम्मी कहती लो जाया कर दिया. नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. आप किसी भी फ्रूट का छिलका यूज कर सकते हैं, उसके शेक्स बना सकते हैं, उसके जूसेस बना सकते हैं, उसके जैम जेलीज बना सकते हैं, और उसके फ्लावर्स भी बना सकते हैं. अब ये जब मैंने बास्केट बनाई है, इसमें वाटर मेलन की सिर्फ और सिर्फ छिलका है, और बड़ी देर से आप मेहनत, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर छिलका है. ये वाटर मेलन मैंने अलग से निकाल दिया है. अब इस वाटर मेलन का मैं शेक भी बना सकता हूँ, इसका जूस भी बना सकता हूँ. इसको ग्राइंड करके इसको पी लें, और रोजे के टाइम पे अगर पियेंगे इफ्तार के वक्त. अगर टिंडों को बहुत सजाया जाए तो क्या वो आलू बन सकते हैं? आलू नहीं बन सकते, लेकिन बेजायका टिंडे जायकेदार लग सकते हैं. हाँ, तो उनके लिए सजाना जरूरी थोड़ी जी, है जी, बिल्कुल सजाना पकाना जरूरी है. सजाना बिल्कुल जरूरी है. इसी तरह से जिस तरह से आप नया जोड़ा पहने और बगैर मुंह धुला पहन लें. आप दिल लगी करते हैं, बिलाल भी आपको जानबूझ के छेड़ते हैं. बिल्कुल अच्छा, जवेरिया से भी हम थोड़ा बहुत जरा काम शमारा कराएंगे, तो हम जरा इधर से बिस्मिल्लाह करें. जवेरिया, आपने वैसे कभी बूंदी चाट खुद बनाई है कभी? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा बनाती है. आपका ब्रेड पुडिंग मुझे आज तक याद है. अच्छा, मुझे कब याद होगा, मुझे फिर कब कैसे याद आएगा, तो मुझे कैसे पता? आप उनको दोबारा बुलाएं, वो यहीं पे बनाएंगे, हमारे पास अवन भी है. अच्छा, ओके ठीक है. वैसे बाकी कुछ लोग सब कुछ ही करते हैं माशाल्लाह से, ये एक्टिंग सब कर, माँ भी है, सब चीजें चला रही है, और नाथवान भी है. इतनी चीजें साथ ऐसे कर कैसे रहती है? जब जिस चीज़ का मौका मिलता है कर लेते हैं. जबरदस्त. आप सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे, बड़ा मुश्किल होता है ये बहुत. मैं तो जी, आप कुछ नहीं बनाते, आप किचन का वैसे चक्कर लगाते हैं दिन में? मैं सिर्फ बातें बनाता हूँ. नहीं, वो कुछ नहीं करते. उठ के पानी पीते हैं वैसे ये? कभी कभी पानी कभी 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 कभी. अच्छा, अगर कभी आप बीमार पड़ जाती तो कभी खिदमत करते हैं वैसे? आपकी कुछ खिला दिया, कुछ बना के पाँव दबा दिए कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ. क्यों नहीं करते आप? कभी कुछ बनाएंगे भी तो नियात का खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता तो बनाना ही नहीं आता. खिदमत आप मतलब कभी थकी हुई हो तो मतलब बाजू तो बा देते हैं, शोल्डर से बा देते हैं, ये क्या बात हुई? क्या मतलब क्या करूं मैं? खिदमत थोड़ी कर देनी चाहिए. अगर बंदा कभी बच्चों को संभाल के थक, माशाल्लाह से आपको पता है जो आपका छोटा 5 साल का ड्रोन है वो थका देता होगा इनको तो कभी. अच्छा, मर्दों की एक आदत होती है, अगर उनको कुछ बोलना कहते ये नहीं करिएगा, जल्दी आ जाइएगा, ये कर लीजिएगा, तो इस बात पे वो एक जुमला बोलते हैं, मेरी अम्मी नहीं बनो.
और जब कभी आप कह रहे हैं टांगों में दर्द हो रहा है, टांगे ना मेरी अम्मी नहीं बनो तो ये जो दो चीजें होती हैं इसमें वो यही जुड़ा होता है, अब मेरी अम्मी मत बनो, मेरी अम्मी बनने की कोशिश मत करो। तो होता यही है कि माँ के पाँव जो है वो दबाए जाते हैं, बीवियों का गला दबाया जाता है कभी गचे कभी पैर में हाथ में रहता कभी नहीं कहेंगे दबा दूं, कहेंगे गले में बहुत तकलीफ हो रही दबा दूं सबसे पहले ये जुमला आता है इतनी खुश होती हैं तीन खवातीन अगर एक साथ हो जाए लेकिन हम बात आपस में एक दूसरे के वो दुख दर्द सुन रही हैं कि क्या क्या होते हैं मसले मसाइल। अच्छा आप बूंदी चाट जो है आप बना लेते हैं, हम दोबारा फिर किचन में चलते हैं, वैसे आपको जो मैंने बताया था वैसे ही बनाएंगी ना? बिल्कुल, मैं परेशान हुई बगैर चली जाऊँ ना, एक चीज ऊपर से डोनेशन हो कुछ भी नहीं। अच्छा ये बूंदी चाट होती है, बूंदी चना चाट, बच्चे जो है ना वो बड़ा देख के घबरा जाते हैं, इतना बड़ा कौन खाएगा, तो वो जो छोटे छोटे इसी तरह के बनाते हैं ना तो वो खा लेते हैं आराम से। सही, चले मुझे चल के बैठते हैं। अच्छा बिलाल भाई लाहौर में भल्ले मिलते हैं, दही बड़ा नहीं मिलता ज्यादा? दही बड़े लाहौर के समनाबाद के दही बड़े मशहूर हैं।